saw me do my two-step. निगाहों में शोले, निगाहों में शोले, होठों पे फूल, निगाहों में शोले, होठों पे फूल और दिलों में मकरंद रखते हैं। निगाहों में शोले, होठों पे फूल और दिलों में मकरंद रखते हैं। रवैये में आग होना तो लाजमी है जनाब, रवैये में आग होना तो लाजमी है जनाब। आखिर हम नवाबों के शहर लखनऊ से संबंध रखते हैं, आखिर हम नवाबों के शहर लखनऊ से संबंध रखते हैं। तो मैं अपनी मूल विधा पर आती हूँ, मैं शायरा नहीं हूँ, मैं कविताएँ लिखती हूँ मूल रूप से। तो कोशिश करूँगी कि आप सबके बीच प्यार मोहब्बत इश्क दुख दर्द से कुछ हट के रखूँ। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण करती हूँ। है श्वेत वर्ण परिधान लिए, है श्वेत वर्ण परिधान लिए, मस्तक पर मुकुट विराज रहा। है श्वेत वर्ण परिधान लिए, मस्तक पर मुकुट विराज रहा। मोतियन की माला साज रही, हाथों में वीणा बाज रहा। देती है ज्ञान विद्या कावर, करती हम पर उपकार सदा। रोशन करती है तीव्र तिमिर, करती है नष्ट विकार सदा। उस सुपुनीता उत्तुंग देवी की, उस सुपुनीता उत्तुंग देवी की महिमा प्रतिपल गाती हूँ। उनके पद कमलों में अपना मैं नित नित शीश झुकाती हूँ। उनके पद कमलों में अपना मैं नित नित शीश झुकाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा कि जोश आ गया। तो मैं तालियों बजाते रहिएगा, कवियों को सिर्फ तालियों की चाहत होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं पंक्तियाँ, बहुत विषम परिस्थिति से हमारा देश, हमारी सृष्टि गुजर रही है, तो उस वक्त जब मेरे अपनी विचारधारा को मैंने चार पंक्तियों में संकलित किया है, अगर आप इसको रिलेट कर पाए तो मैं समझूंगी मेरी लेखनी सफल हुई। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। समय ने ऐसी करवट ली, विवश पृथ्वी ये सारी है। समय ने ऐसी करवट ली, विवश पृथ्वी ये सारी है। न ये सत्ता हमारी है, न ये सृष्टि हमारी है। नहीं कोई महामारी, नहीं कोई बीमारी है। और अगली पंक्तियों में मैं आपका मन चाहूंगी कि नहीं कोई महामारी, नहीं कोई बीमारी है। यह है प्रतिशोध नियति का, जो जनमानस पे भारी है। यह है प्रतिशोध नियति का, जो जनमानस पे भारी है। और किस प्रकार के पाप संजोती है, जो घर को एक नया आकार देती है। संजोती है, जो घर को एक नया आकार देती है। लुटाती है, जो ममता स्नेह सबको प्यार देती है। चलाती है, जो कुल को नित समर्पण त्याग तप करके, उस कन्या को दुनिया भ्रूण में ही मार देती है। उस कन्या को दुनिया भ्रूण में ही मार देती है। और एक कविता है, ये भी मैंने कोरोना काल में ही लिखी थी, जब टीवी पर रामायण और महाभारत टेलीकास्ट की जा रही थी। मैंने कलयुग को महाभारत काल से जोड़ने का प्रयास किया है। अगर आप भी उसको जोड़ पाए तो मैं समझूंगी मेरी पंक्तियां सार्थक हो गई। तालियों से मुझे अपना आशीष देते रहिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हर सदन बना है कुरुक्षेत्र, हर सदन बना है कुरुक्षेत्र। ये कैसा कलयुग आया है, नर को उस कोख का मान नहीं है जिसने उसको जाया है। नर को उस कोख का मान नहीं है जिसने उसको जाया है। हर घर में दुर्योधन दुशासन आसन ताने बैठे हैं। काम वासना में लोलुप होकर मदमस्त ऐठे हैं। कोई जुआ है ना कोई चौसर है, फिर भी ये दाव लगाते हैं। और शकुनी जैसे कुलनाशक अवसर का लाभ उठाते हैं। दो लोगों की लड़ाई में मजा हमेशा तीसरा ही लेता है। कि शकुनी जैसे कुलनाशक अवसर का लाभ उठाते हैं।
उठाते हैं। है धर्म राज सा धर्म नहीं, है इंद्रप्रस्थ सा राज नहीं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ कोई हया कोई लाज नहीं। भाई भाई का वध करने, ये बिल्कुल सत्य घटना है, आज की सच्चाई है। भाई भाई का वध करने अब रणभूमि में आया है, हर सदन बना है कुरुक्षेत्र, ये कैसा कलयुग आया है। हर सदन बना है कुरुक्षेत्र, नारी प्रतिमा है देवी की। हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यति पूजते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन अब वो मात्र श्लोक रह गया है। नारी प्रतिमा है देवी की, जिस देश में ये सिखलाते हैं, उस देश में प्रतिदिन नई द्रौपदी सभा बीच में लाते हैं। ये चीर हरण करते उसका, ये चीर हरण करते उसका, करनी पर ना शर्माते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने को अब कोई कृष्ण ना आते हैं, अब कोई कृष्ण ना आते हैं। इस वसुधा पर पापों का हाहाकार सुनाई पड़ता है, उस दूर क्षितिज में नारी का चित्कार सुनाई पड़ता है। त्राही त्राही करते करते, त्राही त्राही करते करते, मानवता खुद मर जाती है, किंतु पापी मानव के मन में तनिक न करुणा आती है, तनिक न करुणा आती है। जब अधर्म अनीति अनाचार, जब अधर्म अनीति अनाचार हद से आगे बढ़ जाता है, रावण हो चाहे कौरव हो, कुल का विध्वंस हो जाता है, कुल का विध्वंस हो जाता है। धर्म नीति सब खंडित है, धर्म नीति सब खंडित है, हर ओर लोभ मोह माया है, हर सदन बना है कुरुक्षेत्र, ये कैसा कलयुग आया। हर सदन बना है कुरुक्षेत्र, ये कैसा कलयुग आया है। और ये बस लास्ट में चार लाइनें हैं, मैं मूल रूप से कविताएं लिखती हूँ, लेकिन एक गजल लिखने का प्रयास किया था। सुनिएगा, अगर तुम हाथ थामो तो इसे फिर छोड़ मत देना, अगर तुम हाथ थामो तो इसे फिर छोड़ मत देना। भरोसा कर रहे हैं हम, भरोसा तोड़ मत देना। बड़ा नाजुक है मेरा दिल जो तुमको सौंप रहे हैं हम, बड़ा नाजुक है मेरा दिल जो तुमको सौंप रहे हैं हम। खिलौना जान कर इसको मेरी जान तोड़ मत देना, खिलौना जान कर इसको मेरी जान तोड़ मत देना। के दिया है मैंने दर्द अगर तो सांसों में प्रेम की माला फेरी भी है, दिया है मैंने दर्द अगर तो सांसों में प्रेम की माला फेरी भी है, कुछ खता मेरी है तो कुछ गलतियाँ तेरी भी हैं। चलो मान लिया फलक की तमाम ऊंचाइयाँ नाम है तुम्हारे, चलो मान लिया फलक की तमाम ऊंचाइयाँ नाम है तुम्हारे, मगर उस आसमान से परे एक जमी तो मेरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।